अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं चौधरी अनवार। आज हम आपको दिखाएंगे कि चाइना में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनकी हॉस्टल लाइफ कैसी है, उनको कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं चाइना में। बाय द वे, जो बाकी सिटीज़ हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें और यहाँ पे जहाँ आज हम मौजूद हैं, हॉस्टल लाइफ थोड़ी बहुत डिफरेंट है। तो आज हम चलेंगे दालियान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की डोम में। आइए चलते हैं डोम की तरफ। इस वक्त हम मौजूद हैं दालियान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के पीएचडी के हॉस्टल में। तो ये जो रूम है ये पीएचडी वालों के लिए है। इसके अंदर बेसिक चीज़ें जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, जिस तरह के बेड हो गया, उसके बाद स्टडी टेबल हो गया एंड बुक शेल्फ हो गई, एक चेयर भी होती है वो वाली लाइक हॉल टाइप। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ना इस तरह की चेयर यूज़ करते हैं जो रूम में बैठ के स्टडी करते हैं ताकि ईजी रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जो लैब में स्टडी करते हैं, उनको लैब में अच्छी चीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी रूम में प्रोवाइड करती है वो जो अभी हार्ड वाली देखी उस तरह की है। तो यहाँ सबकी डोम्स में गीज़र लगे हुए हैं क्योंकि सर्दी ज़्यादा होती है, गीज़र लाजमी है। तो किसी यूनिवर्सिटी में एसी लगे हुए हैं, किसी में नहीं लगे हुए हैं। इस यूनिवर्सिटी में एसी नहीं लगे हुए, गर्मी में तकरीबन 15-20 दिन टिका के गर्मी होती है तो लोग फ़ैन से काम चला लेते हैं। और बाय द वे, जब गर्मी यहाँ टॉप पे होती है तो छुट्टियाँ होती हैं, मेजॉरिटी स्टूडेंट घर चले जाते हैं, जो यहाँ पे होते हैं तो घूम फिर रहे होते हैं दूसरे सिटीज़ में, दूसरी जगहों में। तो जो डोम्स के अंदर होते हैं तो वो फैन से गुजारा करते हैं। सही है, तो बेसिक चीज़ें तो यही होती हैं। हाँ, एक कबर्ड भी होता है पीएचडी वालों के लिए, एक कबर्ड, एक बेड, एक डेस्क। तो रूम संभव है ना एक बंदे के लिए, इतना छोटा भी नहीं इतना बड़ा भी नहीं, गैलरी भी है कपड़े वगैरह धो के हैंग करने के लिए। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्रिज वगैरह रख देते हैं। और ये डोम की बैक से जो व्यू आ रहा है, हीटर भी लगा हुआ है, इंटरनल हीटिंग सिस्टम है ये वाला जो लगा हुआ है। लेकिन क्या है कि जब सर्दी फुल टॉप ही होती है तो कभी कभार ऐसा होता है कि सही काम नहीं करते, लाइक ठंड लगना शुरू होती है, फिर लोग क्या करते हैं कि हीटर ले लेते हैं एक्स्ट्रा अपनी पॉकेट से, जिनको ज़्यादा सर्दी लगती है। वो जो डोम अभी गए थे वो पीएचडी वालों के लिए, वहाँ लैंग्वेज वाले भी रहते हैं। तो तकरीबन वहाँ पे सिंगल रूम्स हैं, एक रूम में एक बेड और एक बंदा। तो अभी जहाँ मौजूद हैं इस बिल्डिंग में, मेजॉरिटी जो रूम्स हैं उनमें 2 पर्सन होते हैं एक कमरे के अंदर। तो इसके अंदर ज़्यादातर मास्टर के स्टूडेंट्स होते हैं। अभी आपको लेके चलते हैं मास्टर वालों के रूम के अंदर के उनके यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या डिफरेंस है। यहाँ पे सिक्योरिटी का खतरे का इंतज़ाम है, कैमरेज वगैरह लगे होते हैं। फुल सिक्योरिटी है, कोई इशू नहीं है, सही हो गया। और अजहर भाई हैं, गिलगित से हैं, बहुत प्यारा शहर है इनका। प्यारा तो नहीं भाई, आप जैसा हम तो प्यारे नहीं लेकिन शेर प्यारा है। अच्छा, होपफुली के बंदा अंदर ही रूम में चेक कर ले। निशान, थैंक यू। ये खान साहब के रूममेट हैं। एक्चुअली ये रूम खान साहब का है, जो हमारे कैमरा मैन है। और दो बेड्स हैं इस रूम के अंदर, सही हो गया। और दो ही टेबल्स हैं, स्टडी टेबल और बुक शेल्फ्स हैं। दो कबर्ड हैं, सेम वैसा ही है जैसा वहाँ लगा हुआ था। तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो लोग अपनी पॉकेट से लेते हैं, इस तरह ये स्मार्ट फ्रिज लिया हुआ है, ऊपर टीवी पड़ा, सही हो गया। तो ये स्मार्ट हीटर भी लगा हुआ है। बाय द वे, ये खान साहब का बैठ है, खान जी का। तो पीएचडी वालों का रूम छोटा है तो गैलरी भी छोटी है, मास्टर वालों का रूम बड़ा है तो गैलरी भी काफ़ी बड़ी है।
इनमें सर गैलरी में कुछ चीज़ें वीज़ें नहीं रखी हुई, सर कपड़े हैंग किए हुए हैं। चलो अभी आपको लेके चलते हैं किचन में, यहाँ पे किचन कैसा है। बाय द वे अजहर भाई बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, हम इंशाल्लाह इनकी दो चार फोटोज भी डालेंगे अपनी वीडियो में, लास्ट में देखिएगा और कमेंट कीजिएगा आप लोगों की तारीफ करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई, आप तारीफ के काबिल हैं तो की है ना, आपकी फोटोग्राफी बहुत अच्छी है। सबसे इधर किचन करीब में पड़ता है तो पहले किचन चलेंगे। और बाय द वे अजहर भाई सबसे एंड वाला है, इनका 401 है, मेरा 419 है और खान का 420 है। मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं जी, लोग होते हैं तो कंप्लेन करते हैं। ये किचन है, ये इलेक्ट्रिक इंडक्शन प्रोवाइड किए हुए हैं, एग्जॉस्ट लगा हुआ है, उसके बाद ओवन है, वॉश बेसन है, सही हो गया। इधर लोग पका के इधर ही खा लें तो टेबल भी दिया गया, बास लोग बना के रूम ले जाते हैं, बाद इधर ही बैठ के खा लेते हैं। इधर भी कैमरास लगे हुए हैं ताकि कोई मसला वस्ता ना हो, उस कारण वो भी दो इधर भी लगे हैं। और इधर प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये सारे इक्विपमेंट किस तरह यूज़ करने हैं, सेफ्टी के बारे में, कोई मसला मसाइल होता है, मतलब बेसिक चीज़ें सारी जो है ना उसके बारे में नोटिस लगाया हुआ है। और किचन के बारे में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये 24 घंटे खुला होता है, 24 घंटे खुला होता है। उनके बाद से यूसेज में होता है कि उनकी टाइमिंग होती है लिमिटेड टाइम, मतलब 2 घंटे मतलब दोपहर को, 2 घंटे शाम को, या 3 घंटे, लेकिन हमारे किचन का ये है कि 24 घंटे खुला रहता है। तो यहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की टाइमिंग भी अजीब ही होती है, कोई कभी उठ रहा है, कभी सो रहा है, तो मतलब जब भी उठे सोए। आजकल के दिन छुट्टियों में तो होता ही है कि लोग शाम को उठते हैं और सुबह सोते हैं 10-1 बजे। थैंक यू सो मच सर भाई, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, और ये जो लाइट्स हैं ये सेंसर लगे हुए हैं, जब कोई मोशन होगी, कोई मूवमेंट होगी तभी ये चलती हैं, अदरवाइज ये बंद हो जाती हैं। यानी कि अभी एनर्जी सेविंग प्रोग्राम भी है, पाकिस्तान की तरह नहीं है तीन रात लाइट्स चल रही हैं, तो कोई मूवमेंट होती है तो लाइट्स चलती हैं। आजकल डोम में सुकून है, छुट्टियाँ हैं, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स वापस चले गए हैं, तो दोनों कम में बंदा चहल पहल रहती है, हल्क बहुत जो बढ़ सकती है 40 सेकंड। इधर लिफ्ट लगी हुई है और इधर स्टेयर्स है, ज़्यादातर लोग स्टेयर्स लेना प्रेफर करते हैं क्योंकि ये बिल्डिंग छोटी है, 5 फ्लोर है, जो साथ में पीएचडी वालों की बिल्डिंग है उसमें तकरीबन 18-20 फ्लोर हैं, तो उधर लोग ज़्यादा लिफ्ट यूज़ करते हैं। और अभी चाह रहे हैं लॉन्ड्री में, लॉन्ड्री में मशीनें फुली ऑटोमेटिक हैं, कपड़े डालें, उसके बाद सर्फ डालें, ये जो अभी आपको डिटर्जेंट है, मशीन में अपने कपड़े और सर्फ डाल दें, उसके बाद यहाँ पे कार्ड दिया गया होता है हमें, सही है, हर स्टूडेंट के पास कार्ड होता है, यूनिवर्सिटी कार्ड, जो ये वाला कार्ड, आप कार्ड लगाएंगे तो सबसे जो सस्ते कपड़े धुलते हैं वो 2 यूआन में धुलते हैं, तो जितने पैसे ज़्यादा आप पे करेंगे 4 तक है तो उतनी देर ज़्यादा कपड़े धुलेंगे, 4 यूआन पे करने के बाद तकरीबन 1 घंटा कपड़े धुलते हैं, जो कि बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन कॉपी निकलते हैं कपड़े और ड्राई होंगे। कभी कभार कोई मसला वस्ता होता है, जिस तरह मशीन ख़राब होगी, नीचे किसी ने कंप्लेन की होगी तो उन्होंने नोटिस लगा दिया कि बी रिपेयर्ड, तो हर फ्लोर पे 2-2 मशीन्स हैं। और बाय द वे ये जो कार्ड है ये हर जगह यूज़ होता है, तकरीबन जहाँ भी आप यूनिवर्सिटी के अंदर पैसे पे करते हैं, कैंटीन में जाना है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी की बस है, वैन है सॉरी, जो कि तकरीबन सारे डिपार्टमेंट्स जाती है, वहाँ भी यही कार्ड यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपने बाहर से बस पकड़नी, जिस तरह पाकिस्तान में मेट्रो है, सारी बसेज यहाँ इसी तरह की है, मेट्रो टाइप, पाकिस्तान मेट्रो टाइप, और सबवे हो गई, ट्राम हो गई, यानी कि ये कार्ड बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है। अभी मास्टर वालों का एक और रूम है जिसमें मैं रहता हूँ, वो भी आपको दिखाते हैं, मतलब आपके पास यहाँ जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उसके बाद अगर आप कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो भी चलता है, कि रोक टोक नहीं है लेकिन वैलिड होनी चाहिए, जिस तरह के लोग रूम में कारपेट डालते हैं, अपना एक्स्ट्रा मैट्रेस लेते हैं स्प्रिंग वाला या फोम वाला, वॉलपेपर लगाते हैं, संभव वॉलपेपर वो अलाउ नहीं करते लेकिन मना भी नहीं करते, तो अपना एक्स्ट्रा टेबल भी ले सकते हैं, कर्टन भी लोग चेंज करते हैं, डिस्पेंसर लोग अपना लेते हैं, कुछ लोग बाटल रखी होती है, हैंड पंप होता है, कुछ पैसे बाटल फुलती करके पानी निकाल लेते हैं, फ्रिज हो गया, तो जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो बेसिक जो है ना उस जो सेफ़ हैं वो अलाउ हैं, जैसा हीटर हो गया जो आग फेंकते हैं, रेड लाइट
जो लाइट्स बाहर से शुआएँ जो नज़र आती हैं वो अलाउ नहीं है, स्मोकिंग अलाउ नहीं है, बाकी समहाउ वो सब जो भी कर रहे हैं हमारी केयर के लिए करते हैं ताकि सब सेफ रहें। होप आप लोगों को हमारी डोम्स अच्छी लगी होंगी। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में पोस्ट करें, इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोस में आपको रिप्लाई करेंगे। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।